ये पांच डरावने वीडियो अपनी मम्मी से पूछे बिना मत देखना। नंबर पांच, हाल ही में रेडिट पर अपलोड किए गए इस वीडियो को हिंदुस्तान का ही बताया जा रहा है, जिसमें दो लड़कियां किसी वजह से खौफ ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। अपने कमरे की बालकनी में लगे कांच के दरवाजे में उन्हें कोई हरकत होती दिखती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इस कांच को साफ कर रहा है, लेकिन दरवाजे के पीछे जाकर देखने पर पता चला कि वहां तो कोई भी नहीं है। डरती हुई ये लड़कियां समझने की जद्दोजहद कर रही थी कि दरवाजे के अंदर ऐसी चीज आखिर क्यों दिख रही है। खैर, अगर वीडियो में बोली जा रही भाषा को आप समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो हिंदुस्तान के कौन से राज्य का है। नंबर चार, जापान के एक मशहूर पार्क में एक बाप अपने बच्चों को घुमाने निकला था। यहाँ पिता मौज मस्ती करते अपने बच्चों का वीडियो बनाने लगा और इसी समय वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि उसने दोबारा अपने बच्चे को शाम के वक्त इस पार्क में न लाने की कसम खा ली। पिता ने देखा कि लड़के की टांगों के बीच इंसानी हाथ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। सहज रूप से इसे देखकर पिता का डरना जायज था। उसने अपने बेटे के पास जाकर शिनाख्त की और पाया कि उसके आसपास कोई अन्य इंसान नहीं था। तो क्या हम इसे एक भूतहा घटना कह सकते हैं या फिर कोई ये जीव है जिसे हम एक इंसानी हाथ समझ बैठे। नंबर तीन, गंभीर हालत में बहुत से लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। मलेशिया का बताया जा रहा ये वीडियो फुटेज भी एक एम्बुलेंस का है। इसमें एक मरीज को घर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। अपने फैमिली मेंबर के इस आखिरी सफर को एक व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। स्लो मोशन में इस वीडियो को दोबारा देखने पर मालूम होता है कि एक धुंधली आकृति एम्बुलेंस के पीछे से गुजर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ये मरीज अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही मर चुका था। ऐसे में उसके परिवार के सदस्य मानते हैं कि ये उन्हीं की आत्मा थी। कह पाना मुश्किल है ये सच में कोई आत्मा थी या फिर कुछ और, पर इतना तो जाहिर है कि ये फुटेज काफी अजीब है। नंबर दो, ये विदेशी कपल अक्सर सोशल मीडिया पर योगा ट्यूटोरियल के वीडियो अपलोड किया करता है। इस बार भी वो योगा करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ योगा के अलावा कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़की को ऊपर उठाते ही दराज में रखी हुई एक बुक नीचे गिर पड़ी।
वीडियो को YouTube पर डाले जाने के बाद कुछ दर्शकों ने कहा कि यहां मौजूद उनकी पालतू बिल्ली किताब के नीचे गिरने से पहले से ही थोड़ी डरी सहमी लग रही है। कुछ की माने तो बिल्ली उस बारीक तार को देख रही है जिससे किताब को नीचे गिराया गया। हालांकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जानवर किसी भी पैरानॉर्मल घटना को पहले से ही भांप लेते हैं। नंबर एक, इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको एक हॉस्पिटल में बैठा सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा है जिसने ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसी चीजों का सामना किया जिन्हें समझा नहीं जा सकता। जय ब्रिजी नामक सिक्योरिटी गार्ड काफी लंबे समय से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन उसने यहाँ इस प्रकार की घटनाओं का सामना पहले कभी नहीं किया। उसने सोचा शायद मेरे दिमाग में कोई लोचा, तो ऐसे में उसने सीसीटीवी फुटेज देखी और पाया कि ये चीजें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कैमरे को भी दिखाई दे रही हैं। I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. And I was like, okay. So I looked at the camera, I'm like, you know what, I'ma calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all see? कोई भी साधारण इंसान अपनी आंखों के सामने हो रही इस असाधारण घटना को देखकर डर जाएगा। हालांकि ब्रिजी ने एकदम ठंडे दिमाग से काम लिया और कैमरे की तरफ इशारा भी किया। इसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से जय ब्रिजी के साथ ठीक वैसा ही हादसा हुआ, लेकिन अब की बार उसका रिएक्शन थोड़ा अलग था। I looked at it like, okay. So I hesitated, so I just threw something, because I didn't know what to do, you know. But that time it came from over my head, though, for some reason. I don't know. इस चीज ने ब्रिजी का दिमाग खराब कर दिया था। अपने सामने घूमती इस परछाई की तरफ उसने एक किताब दे मारी, पर ये किताब किसी को नहीं लगी। तकरीबन एक हफ्ते पश्चात जब इस सिक्योरिटी गार्ड को वही परछाई तीसरी बार दिखाई दी तो उसने कुछ ऐसा किया। It was actually a cold breeze towards the elevator, then it just stopped. So I'm like, damn. So I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, what the f-? Something touched me. I'm still trying to see, like, where is it at? Like, it vanished, so how is it still touching me or something? I don't know. It's creepy. ब्रिजी कहते हैं कि परछाई हॉस्पिटल में लगी लिफ्ट की तरफ जा रही थी। मैंने इसका पीछा किया तो ये अचानक गायब हो गई, और उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे टकले को टच किया है। इन तमाम आकस्मिक चीजों को महसूस करने के बाद जय ब्रिजी ने यहां से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। आपको क्या लगता है, क्या उसने सही फैसला लिया?